जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ का स्वागत समारोह पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मशहूर हुसैन के आवास पर संपन्न हुआ। स्वागत समारोह के इस मौके पर जिला अध्यक्ष शाकिर अली रानी ने बताया कि मसूद हसन पार्टी के वफादार, निर्भीक एवं जुझारू कार्यकर्ता हैं। वे जनहित में कार्य करके पार्टी को मजबूत करते हैं। इस मौके पर हाजी सगीर सईद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के कार्य को बताते हुए कहा कि प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्य से पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान होगी और जनता का विश्वास बनाने में सफल होगी, जिससे पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। ये बहुत अच्छा नॉमिनेशन इन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर किया है और हमें बड़ी खुशी है। पूरे शहर में इसकी खुशी है, जिले में खुशी है कि एक अच्छा पदाधिकारी जिले में आया है। हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है, सभी बाबरी साहब जो एक बहुत बड़े नेता हैं और हमारी कौम का नेतृत्व भी करते हैं, तो मैं उनका भी बहुत खैर मकसद करता हूँ, बहुत कि वो हम लोगों के साथ यहाँ बैठे और हमारे हौसले अफजाई की, हमारी इज्जत को बढ़ाया, हमारे सम्मान को बढ़ाया। भाई ओंकार सिंह जी जो हमारे बड़े पुराने नेता हैं लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के, एक ऐसे व्यक्ति की ये पहचान है, निशानी है, जो छोड़ गए हैं भाई हाजी इकबाल साहब, हमें उन्हें बहुत सम्मान के अपने साथ रखना है और रखना है, फूलों से सजाएंगे रखना है। भाई ओंकार सिंह एडवोकेट जी मेरे बड़े पुराने साथी जो मुझसे काफ़ी दिन पिछड़ गए थे और मैं उन्हें ढूंढता फिरता था, कई तरह की दूरबीनें भी खरीद के लाया भैया कि जवाब साहब कहाँ है, और बहुत अच्छे बड़े नेताओं में इनका शुमार था हमारे यहाँ पर, तो आज चौहान साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी मकसद करता हूँ सम्मान करता हूँ। और हमारे शाहिद अंसारी साहब जो इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने आजम खान जैसे समाजवादी के संस्थापक सदस्य थे, ऐसे ही शाहिद अंसारी साहब इस पार्टी के सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य जिन्होंने इसको स्थापित किया है पार्टी को, वो भाई शाहिद अंसारी साहब इन्होंने शाकिर अली रानी साहब के साथ मिलकर स्थापित किया है। भाई हमारा शहदाब बेचारे सेवा दल के हमारे प्रोग्रामों में हमारी सफेद वर्दी पहन पहन के कई बार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, सेवा दलीय बने और इन्होंने बेचारों ने नाम रोशन किया पार्टी का। हमारे वकील साहब, हमारी बहन जो बहुत अच्छा बोलती है शाइस्ता जो टीवी पर भी कई बार इंटरव्यू आया और हमारे हफ्ते कांग्रेस कार्यक्रम में बढ़ करके हिस्सा लिया, जनता की मांगों को बराबर उठाया और बराबर उठा रही है। जहां तक गैस सिलेंडर का मामला था वो भी उन्होंने उठाया भाई गांव में। आज जो जागरूकता आई सरकार जो डरी है वो इससे ही डरी हुई है। साथियों और भी मेरे बहुत ही और भाई सबका नाम तो नहीं दे पाऊंगा जो यहां बैठे हैं, मैं सबका इस्तेमाल करता हूं, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि वो लोग यहां पर आए और उन्होंने हमारी कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया है। वो कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो हमारी नेता प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत होना देश के हाथ मजबूत होना जरूरत है, मजबूत हाथों की, और मजबूत हाथ प्रियंका गांधी ही दे सकती है। इस देश को विकास प्रियंका गांधी ही दे सकती है। हमेशा आपने देखा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने शहीद हो गए देश के लिए, और हमारे नेता राहुल गांधी आज बाहर ऐसे ही निकले पड़ते हैं, भीड़ के अंदर निकल जाते हैं, उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्थाएं वापस दे दी गई है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, वो बगैर सुरक्षा के बेचारे दोनों बहन भाई चल रहे हैं, लेकिन वो इस देश की तरक्की के लिए यहां से निकल पड़े हैं और उन्होंने बिगुल बजा दिया है कि अब उत्तर प्रदेश पहले हम जीतेंगे, उसके बाद सारे भारत में। जो हर आज मीडिया बता रही है, मीडिया मोदी मीडिया कहलाती है, मोदी मीडिया कहलाती है, वो मीडिया सब झूठे आंकड़े दिखा रही है। असलियत में कांग्रेस बहुत ऊपर पहुंच गई है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कहीं भी कांग्रेस का नाम आए, इसलिए वो पहले नंबर पे अपने बुलाती, दूसरे पे समाजवादी, तीसरे पे बहुजन, चौथे पे अब उवैसी को उछालने लगी है।
वो इस तरह की हरकतें कर रही है कि कांग्रेस किसी तरह से सत्ता से दूर हो जाए और देश का विकास खत्म हो जाए, नफरत पैदा हो जाए और गृह युद्ध भारत में, देश में जो तालिबान में आजकल दिखाई दे रहा है वो गृह युद्ध भारत में शुरू हो जाए और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी, हिंदू मुस्लिम को लड़ने नहीं देगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इस देश का विकास वो लोग करते हैं और करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण लिया है। और मेरे आगे भी अगर आपको कोई मेरे लाख खिदमत होगी, शाकिर भाई के लिए खिदमत होगी, इन्हें बताएंगे आप, इन्हें बताएंगे भाई को, तो हम आधी रात को आप लोगों के लिए तैयार हैं और आधी रात को आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। आप प्रियंका गांधी के लिए कफन बांध लीजिए और कफन बांध कर आप तैयार हो जाइए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन समस्या निस्तारण त्रिकोण, जन समस्या निस्तारण त्रिकोण, नूतन वाजपेयी, सोनिया गांधी। ये हमारा जो जन समस्या निस्तारण त्रिकोण है इसकी अध्यक्ष हमारी बहन नूतन वाजपेयी जी है, जो सोनिया जी और प्रियंका जी के बहुत करीबी है और उनका डायरेक्ट मुझे घर आना जाना है, मेरे ख्याल की रिश्तेदारी भी है, इसलिए विकास में नूतन वाजपेयी जी का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा वो भाग ले रही है और अपने संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा करके मजबूत कर रही है। तो मेरे लायक जो भी और खिदमत होगी मैं आपके लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए शाकिर भाई के लिए भी, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, लोग समझते हैं मुझे पत्थर, मैं मोम हूँ, तुमने मुझे छूकर नहीं देखा।